नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पपीता खाने के 5 नुकसानों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पपीता सेहत के लिए लाभकारी फलों की सूची में ज़रूर शामिल किया जाता है। आखिर हो क्यों ना, क्योंकि पपीता खाना ज़्यादा पोषक तत्वों से भरा हुआ फल या आँखों की रोशनी को बढ़ाएगा, साथ ही स्किन को चमकदार भी बनाता है। डायबिटीज़ के मरीज भी पपीता खा सकते हैं। पपीता अपने गुणों के कारण लोगों को बहुत ही पसंद आता है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुदरत के बनाए गए के अनुसार जिस फल को खाने से शरीर को ढेर सारे फायदे होते हैं, उसी फल के कुछ नुकसान भी होते हैं। दोस्तों, पपीता खाने के भी कुल 5 ऐसे नुकसान हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं उन 5 नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में सबसे पहला नुकसान आता है ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आप बीपी की दवा का सेवन कर रहे हैं, तो आपको पपीता खाने को लेकर सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने के दौरान पपीता खाना हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, इसका दूसरा नुकसान आता है स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। अगर आप नई नई माँ बनी हैं, तो शुरुआत की कुछ दिनों तक पपीता भूलकर भी आपको नहीं खाना चाहिए। पपीते में पेपेन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो आपके बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए नई बनी माओं को पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इसका तीसरा नुकसान होता है मिसकैरेज होने की संभावना को बढ़ाने में। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि गर्भवती महिलाओं को पपीते का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को पपीता नहीं खाना चाहिए। यह बात बिल्कुल सच है कि गर्भावस्था के दिनों में पपीता खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल पपीता गर्भाशय को संकुचित कर देता है, जिससे गर्भपात यानी कि मिसकैरेज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे गर्भवती महिला का गर्भपात भी हो सकता है। दोस्तों, इसका अगला नुकसान होता है एलर्जी में। दोस्तों, पपीता के सेवन से बॉडी में एलर्जी भी हो सकती है। पपीते में लेटेक्स नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो शरीर में एलर्जी भी पैदा कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी यह काफ़ी नुकसानदायक माना जाता है। दोस्तों, इसका अगला नुकसान होता है गले के लिए। अगर ज़्यादा मात्रा में पपीता खा लिया जाए, तो इससे गले में कई तरह की परेशानियाँ पैदा हो सकती है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में आप पपीता बिल्कुल ना खाएं, वरना आपका गला खराब भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने, ये थे 5 कुल ऐसे नुकसान जो कि पपीता खाने से आपको हो सकते हैं, और इनके बारे में सतर्क रहने की आपको काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, इन नुकसानों को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, इनको ध्यान में रखना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और जानकारी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और बहुत सारा प्यार दें, शेयर भी करें। और दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।